बात पर बात बात पर कहलक कि पाकिस्तान भेज देंगे। ऐसा लगे छे जना पाकिस्तान हिंसक ट्रेवल एजेंसी चले आ रहा। ये जहर उगलने वाली ताकतों को हमको परास्त करना है। और मैं इतना विश्वास से इसलिए बोल रहा हूं कि हमने आपके प्यार को प्राप्त किया है, हमने आपके साथ और सहयोग को प्राप्त किया है। मेरी माँ जो आंगनबाड़ी में काम करती है, जब मैं जेल में था मेरी माँ जो आंसू बहा रही थी, तब बेगूसराय के लोगों ने कहा, बेगूसराय के लोगों ने मेरी माँ का आंसू पोंछते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, वह सिर्फ आपका बेटा नहीं है, बेगूसराय का बेटा है। हमको इस मिट्टी पर भरोसा है, हमको अपने संस्कार पर, अपने नमक पर, अपनी परवरिश पर भरोसा है कि हमारा बेटा कुछ भी हो सकता है लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। ये जो बेगूसराय के लोगों का आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास में जब मैं जेल से निकलकर निकला तो मुझे हिम्मत थी। जब मुझे ये पता चला कि पूरे देश में कोई हमारे साथ खड़ा होने के लिए जब तैयार नहीं था, तो बेगूसराय के लोग खड़ा थे और कहा कि कोई आपके घर पर नहीं पहुंचेगा, कोई अपराध आपके खतरे के घर पर ढेला नहीं फेंकेगा। बेगूसराय के लोगों ने जो साथ दिया है, अब हमारी बारी है। हम बेगूसराय आए हैं, दिल्ली से बोरिया बिस्तर लेकर के आए हैं, खेमणा आ दिए हैं, अंगत का गांव जमा दिए हैं, बेगूसराय से जाने के लिए नहीं। हाथ फरिया लेकर तैयार छे, खाली बसने के बात विजय पताका ओकरे लहराबे छे जेकरा जो जनता खड़ा छे। हमारे नारा लगवे छे, अरे कितने बाजू कितने सर गेले दुश्मन ध्यान से। ये बेगूसराय की जनता है, बेगूसराय की जनता का स्वाभिमान का सवाल है। बेगूसराय की जनता जीतेगी और बेगूसराय को बदनाम करने वाली ताकतों को परास्त करेगी, यह हमारा भरोसा है। इसी आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि मन में कोई संदेह नहीं पैदा कीजिए, सब सब बदला लिया जाएगा। सामाजिक न्याय के नेता को जेल में डालने का, रोहित बेंद्रा को आत्महत्या करने के लिए दिवस करने के लिए, नजीब को गायब करने के लिए, इस देश में आम आवाम के हक अधिकार को छीनने के लिए और वादा करके वादा खिलाफी करने के लिए इन तमाम लोगों से हम लोग बदला लेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि जब जनता एकजुट हो जाती है तो जनता हर लड़ाई को जीत जाती है। और भारत का इतिहास हमको बताता है कि जब हम एकजुट हुए तो हमने अंग्रेजों को हराया था। अंग्रेज के हड्डी चिल्लर लगे लिया है, अभी अंग्रेज के चापलूस हड्डी चिल्लर लगा कर जारी छह बात बांटने वाली इस संस्कृति को हम हराएंगे और आम आवाम की आवाज को अपना समर्थन देकर के लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। इसी भरोसा और अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जब हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी जीत को कोई बदल नहीं सकता है। और हमारी जीत किसी ताकतवर या पूंजीपति की जीत नहीं होगी। साधारण लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, ये उसकी जीत होगी। ये जीत होगी कि इस देश में सरकारी विद्यालय ठीक से कैसे काम करेंगे। ये जीत उस बात की होगी कि हमारा अस्पताल ठीक से काम कैसे करेगा। ये जीत उस बात की होगी कि किसानों को उनके फसल का दाम कैसे मिलेगा। यह बात ये जीत इस बात की होगी कि धुनिया खाई गए थर्मल काम में छाए फाक गए हम और नौकरी लग गए तो मैं होगा। इसीलिए हमारी जो आवाज है वो आपकी आवाज है। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये मत महसूस कीजिए कि मैं उम्मीदवार हूँ। मैं कहता हूँ चोर की चौकीदारी के खिलाफ बेगूसराय की 30 लाख जनता ने अपनी उम्मीदवारी तय कर ली है। इसीलिए जब वो कहते हैं चोर को बचाने के लिए कि मैं भी चौकीदार, तो आप ईमानदारी और इंसानियत के लिए कहिए कि मैं भी उम्मीदवार और आप सब उम्मीदवार है। और आप तमाम लोगों को मिलकर के लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और हम भरोसा करते हैं कि जिस तरीके से माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और इस देश की मेहनत का जनता का, बेगूसराय के आम आवाम का
साथ सहयोग मिला है या लड़ाई हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी बात खत्म करता हूँ।